आज एक बार फिर से वंदे भारत ट्रेन हजारीबाग टाउन रेलवे स्टेशन पहुंची। वंदे भारत का फाइनल ट्रायल किया गया। बताया जा रहा है कि वंदे भारत 27 तारीख से सप्ताह में 6 दिन पटना से रांची हजारीबाग टाउन रेलवे स्टेशन होते हुए गुजरेगी। 27 जून को पीएम मोदी पटना में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे और इसके बाद ट्रेन कमर्शियल यूज के लिए चालू हो जाएगी। फाइनल ट्रायल देखने हजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा भी स्टेशन पहुंचे। बेहतरीन अनुभव कैसा लग रहा चला? एकदम शानदार। नाम क्या हुआ सर? लाजवाब रंजीत प्रसाद, हेडक्वार्टर गोमो। जैसे टाइम टेबल हमको मिला हुआ है, समय से पहुंचे। जब भी मुझे मौका मिलता है वंदे भारत ट्रेन देखने का, मैं ज़रूर आता हूं। और आप देख रहे हैं कि यहां कितने सारे लोग आए हुए हैं, क्योंकि जब ये एक इतनी आधुनिक और इतनी शानदार मेड इन इंडिया ट्रेन लोगों को नज़र आती है तो वो अपने आप ही ताली बजाने लग जाते हैं। और ये परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए जो उन्होंने हम लोगों को सौगात दी है, उसको हम लोग स्वर्ण अक्षरों में लिखेंगे और हजारीबाग के इतिहास में 27 जून को कभी नहीं हम लोग भूल पाएंगे। 27 जून को अनुमान है कि हरा झंडा माननीय प्रधानमंत्री जी देंगे और कमर्शियल ऑपरेशंस इस वंदे भारत के आरंभ होंगे। इसके साथ मैं एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जोड़ना चाहूँगा कि जैसे वंदे भारत ट्रेन चालू हो जाएगी तो इंटरसिटी कोडरमा से लेकर रांची हजारीबाग के द्वारा जाती हुई ये इंटरसिटी एक्सप्रेस भी चालू हो जाएगी। और इंटरसिटी एक्सप्रेस से आप बड़े आसानी से हजारीबाग से, बड़काखाना से, मांडू से आप रांची पहुँच जाइएगा। उसका भाड़ा भी बहुत कम होगा, बस से तो बहुत कम होगा, और आप बड़े कम्फर्ट में, बड़े आरामदेही तरीके से आप रांची पहुंच पाएंगे। हम लोग का घर पटना है ना, इसलिए हम लोग तकलीफ झेलना पड़ता है बस से। अब हम लोग को ट्रेन देकर बहुत खुशी हुई है। हम लोग 10:30 बजे से ही आए हुए हैं यहाँ। क्या लगता है ट्रेन आने के बाद आना जाना रेगुलर होगा? हाँ हाँ हाँ। कितना सुविधा मिलेगा आप लोगों को? बहुत सुविधा है। हम लोग को रात में बस से आने जाने में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता था, बस में आना जाना रहता था, अब इससे बहुत सुविधा है हम लोग का। नमस्कार, बाइसोस्कोप देख रहे हैं आप और मैं हूं शशांक। आपको बता दूं, आज वंदे भारत फिर से पटना से चलकर हजारीबाग पहुंची और हजारीबाग से रांची के लिए प्रस्थान कर गई है। आपको बता दूं, आज 18 तारीख को इसका फाइनल ट्रायल किया जाना है और संभवतः आज जिस टाइम में यह ट्रेन अपने फाइनल ट्रायल में चल रही है, आगामी जब 27 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी इसे हरी झंडी दिखाएंगे, उसके बाद जब सुचारू रूप से यह ट्रेन चलना स्टार्ट करेगी तो यही टाइम में चलने का अनुमान है। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि वंदे भारत ट्रेन पटना से सुबह 7 बजे चलकर हजारीबाग टाउन रेलवे स्टेशन 10:30 बजे के लगभग पहुंचेगी और यहां पर 2 मिनट रुकने के बाद फिर से आगे अपने प्रस्थान, अपने गंतव्य की ओर निकल जाएगी। हालांकि फिर उधर से रांची से जब वे लौटेगी तो फिर से हजारीबाग 6:30 बजे शाम में पहुंचेगी और 10:10 पे पटना पहुँच जाएगी। सांसद जयंत सिन्हा भी आज फाइनल ट्रायल देखने के लिए हजारीबाग टाउन रेलवे स्टेशन पहुंचे थे तथा उन्होंने यह बताया कि 27 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी इसे हरी झंडी दिखाएंगे और इसके पश्चात जल्द ही यहां पर नई इंटरसिटी ट्रेन मिलने की भी संभावना है। लोग भी इसे देखने आए थे और लोगों ने भी बताया कि पटना की ट्रेन चलने से उन्हें बहुत सहूलियत होगी और जो रात में बस से सफ़र करना पड़ता था अब वो सफ़र आसान होगा और वो ट्रेन से आसानी से सफ़र पूरा कर पाएंगे। देखना ये होगा कि ट्रेन चलने के बाद इसमें कितनी तादाद में लोग इस ट्रेन पे सफ़र करते हैं और इस ट्रेन के लिए लोगों का रिस्पांस कैसा मिलता है। शशांक शेखर, न्यूज़ बाइसोस्कोप। पटना रांची के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का आज दूसरा ट्रायल था। दूसरे ट्रायल रन के दौरान 22 मिनट की देरी से वंदे भारत एक्सप्रेस रांची स्टेशन पहुंचे, जिसके बाद यह हटिया तक गई। आपको बता दें कि बिहार झारखंड को जोड़ने वाली सबसे स्पीड चलने वाली यह ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस है। 27 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किए जाने की संभावना है।